हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर चैप्टर ऑफ 8th जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रेजेंटेड ऑन दिस वीडियो। पूर्व के वीडियो में आपको थर्ड क्वेश्चनों के आंसर्स आपको दिए। आगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर के कार्य को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नंबर 4th दिया हुआ है। व्हाई इज फाइटोप्लैंकटन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अंटार्कटिका? ये हमारा क्वेश्चन है पहला। Why is phytoplankton necessary? Phytoplankton क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है for the survival, बनाए रखने के लिए of biodiversity, जैव विविधता के बनाए रखने के लिए in अंटार्कटिका में phytoplankton क्यों जरूरी है? बायोडायवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता। इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। फाइटोप्लैंकटन आर स्मॉल सी प्लांट्स। फाइटोप्लैंकटन छोटे समुद्री पादप होते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि फाइटोप्लैंकटन छोटे समुद्री पादप होते हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे, सिंगल मीन्स होता है एक, सेल्ड मीन्स कोशिका, सेल मीन्स कोशिका होता है अंग्रेजी में। सबसे बड़ी विशेषता होती है एक शब्द के अनेक अर्थ होना, इसलिए इनके अध्ययन की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सेल्ड मीन्स कोठरी भी होता है, लेकिन यहां इसका अर्थ है कोशिका। तो ये एक कोष के पौधे यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को काम में लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन ग्रहण करने के लिए। एसिमिलेट का होता है ग्रहण करना, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सिंथेसिस का होता है संश्लेषित करना। संश्लेषित करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बन को ग्रहण करने के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैव यौगिकों का संश्लेषित करने के लिए। दे आर नेसेसरी, ये जरूरी हैं टू न्यूरिस एंड सस्टेन। न्यूरिस का मतलब होता है पोषण करना, पोषित करने के लिए, संपोषित करने के लिए और सस्टेन बनाए रखने के लिए। द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स, मैरीन का तो होता है समुद्री, एनिमल्स मीन्स होता है जीव, जानवर, पशु एंड बर्ड्स, पक्षियों के ऑफ द रीजन, क्षेत्र के सभी पशु पक्षियों के, जो समुद्री पशु पक्षी हैं उनके जीवन को बनाए रखने के लिए, उनके जीवन को पोषित करने के लिए फाइटोप्लैंकटन आवश्यक है। ये हमारे क्वेश्चन 4th का ट्रांसलेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5th जो हम नीचे दे रहे हुआ है इसका, What was the first reaction of the author on reaching Antarctica and why? What was the first reaction of the author? लेखक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? First means पहली और reaction means प्रतिक्रिया। Author means वैसे लेखक होता है यहां, लेकिन पाठ की जो राइटर है वो एक स्त्री है, इसलिए यहां पर ऑथर का अर्थ बनाएंगे लेख का।
व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ऑथर, लेखिका की पहली प्रतिक्रिया क्या थी ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर, अंटार्कटिका पहुंचते ही लेखिका की पहली प्रतिक्रिया कौन सी थी, उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की एंड वाई, और उसने वो प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों की, ये दोनों हमें आंसर देने। बोर्ड की परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पेपर को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। बहुत से छात्र जब परीक्षा देते हैं तो प्रश्न की कुछ लाइन कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं आगे आगे से, और ऐसा होता भी है कि जैसे ही प्रश्न को पढ़ा जाता है तो बच्चे के दिमाग में बात आती है कि ये प्रश्न मुझे याद है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन प्रश्न को वो आगे नहीं पढ़ पाता है और उसका उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि आगे प्रश्न में और कुछ दिया होता है जिसे हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए बच्चों प्रश्न को पूरा पढ़ें और तब उत्तर देने के लिए हम तैयार हों। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ऑथर ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका की पहली प्रतिक्रिया कौन सी थी, क्या थी एंड वाई, और क्यों। द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, लेखिका एक लंबी यात्रा के बाद अंटार्कटिका पहुंची, लेखिका एक लंबी यात्रा के बाद अंटार्कटिका पहुंची, सो इसलिए हर फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग देयर वाज, इसलिए उसकी पहली प्रतिक्रिया ऑन रीचिंग पहुंचने पर देयर वाज थी, पहुंचने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया थी डेट की सी फेल्ट रिलीव्ड, उसने राहत महसूस की, रिलीव्ड का होता है राहत, चैन आराम शांति, और फेल्ट मींस महसूस किया, सेकंड फॉर्म है फील की, उसने राहत महसूस की, देन इमीडिएटली और फिर तुरंत ही सी वाज फिल्ड विद वंडर, सी वाज फिल्ड वह भर गई थी विद वंडर आश्चर्य से, एट द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ द प्लेस, और वह आश्चर्य से पूर्ण भर गई थी एट द इमेंसिटी, इमेंसिटी का होता है बेटा विशालता, एंड आइसोलेशन निर्जनता एकांत ऑफ द प्लेस उस स्थान की, और स्थान की निर्जनता और विशालता के को देख करके आश्चर्य से भर गई थी। ये हमारे दो क्वेश्चन हुए जो आपका ट्रांसलेशन आपको कराया, अगले क्वेश्चन को पुनः देखते हैं। तो आपका ये अगला जो क्वेश्चन चल रहा है 6, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ऑफ द ऑथर ऑफ ऑन हर एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ऑफ ऑन हर एक्सपेडिशन, लेखिका का कौन सा कार्यक्रम उसका हिस्सा था, एक्सपेडिशन होता है हिस्सा, अभियान, किस अभियान का हिस्सा था टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के लिए। वाई वाज द प्रोग्राम सक्सेसफुल, वह कार्यक्रम क्यों सफल था, सक्सेसफुल भी होता है सफल। द ऑथर ऑन आर एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका बाज, लेखिका का अंटार्कटिका का उसका अभियान बाज था, ए पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस का हिस्सा, ये उस अभियान का नाम था। द प्रोग्राम बाज सक्सेसफुल, कार्यक्रम सफल था इन द वे इस तरह से कि इट मेड द स्टूडेंट्स फील, विद्यार्थियों को यह अनुभव हुआ कि द थ्रीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी का भय, थ्रीट मींस भय डर, वैश्विक गर्मी का डर इज रियल,
वास्तविक है, असली है। ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन हुए। अगले वीडियोस में आपको अगले लेसन को पढ़ाएंगे, उसका आंसर क्वेश्चन कराएंगे। सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी कक्षा की प्रारंभ करने की डेट 21 सितंबर है, यानी सोमवार। सोमवार को सुबह 7:30 बजे अपने साथ मास्क लेकर आएं और आपको अपनी विद्यालय की कक्षाओं के लिए आना है, जिसमें अपने गार्जियंस के सहमति पत्र एग्रीमेंट विद्यालय आने का हमें लिखवाना है। वो आप लिख कर लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह आपको लिखवा के लाना है, जिस पर आपके पिताजी या मम्मी जी या माता जी उनके सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर, जिसमें विद्यालय बच्चे को भेजने की सहमति होगी। धन्यवाद।